भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता, हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भावताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल, गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें, मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुन कर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया।
रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना, मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस, तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा, वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू। आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है, ये क्या बकवास है। ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे, ये तो शहर में भीख मांगा करता था, और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।